महंगे होटल में खाने का और घूमने का लुत्फ उठाना एक प्रेमी चोर को भारी पड़ गया। माल ठिकाने लगाने के लिए उसने ज्वेलर्स के नौकर को भी अपने साथ शामिल कर लिया। MIDC पुलिस ने बंद मकानों में सेंधमारी करने वाले एक प्रेम दीवाने सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका के साथ महंगे होटल में खाने का और घूमने का लुत्फ उठाना एक प्रेमी चोरी को भारी पड़ गया। माल ठिकाने लगाने के लिए उसने एक ज्वेलर्स के नौकर को भी अपने काम में शामिल कर लिया। दरअसल MIDC पुलिस ने बंद मकानों में सेंधमारी करने वाले एक प्रेम दीवाने प्रेमी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ज्वेलर्स का नौकर भी इस मामले में शामिल बताया जा रहा है। आरोपी अभिषेक प्रेमानंद इंदुरकर आजाद नगर गिट्टी खदान तथा अंकित लक्ष्मण सोनटक के विश्वास नगर गिट्टी खदान निवासी हैं। पुलिस ने अभिषेक की निशानदेही पर ज्वेलर्स के नौकर अंकित को भी धर दबोचा। अंकित चोरी का माल ठिकाने लगाने का काम करता था। अंकित को चोरी का माल बेचने के बाद पैसे मिलते ही अभिषेक अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मौज मस्ती और सैर सपाटे पर चला जाता था और कैश खत्म होने पर फिर चोरी करने लगता था। उसे महंगे होटलों में चोरी के कैश पर ऐश करना बहुत पसंद था। बताया जा रहा है कि अंकित ने चोरी के पैसे से 1,50,000 रुपए का DJ खरीदा था। आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान करीब 2,50,000 का माल जब्त किया गया है। दिनांक 28/4/2021 चोरी घरपोड़ी झालेली होती। त्या घरपोडीमध्ये बाकीचे बाहेरचे CCTV कॅमेरे ते सगळे वापरण्यात आले होते। आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर किचन रूममध्ये कॅमेरा चालू होता। त्या कॅमेरे चालूमध्ये ती एक मुलगी आणि तिचा बॉयफ्रेंड हे दोघं जण त्या कॅमेऱ्यामध्ये दिसले होते। नंतर ते बाहेर आल्यानंतर ते कुठे निघून गेले याचा काही शोध लागत नव्हता। मग आम्ही प्रत्येक ठिकाणी ते CCTV एक करत 50-60 CCTV चेक केले। आम्ही त्या CCTV माध्यमातून आम्हाला नंतर असं कळलं की ही जी चोरी केलेली होती ही कोणी केली आणि याच्यासोबत एक नाबालिग होते। अभिषेक इंदुरकर नावाचा मुलगा होता। तो 21 वर्षांचा तो गिट्टी खदानच्या हद्दीमध्ये राहतो। आझाद नगर अकलकिराणा रोड आणि त्याची गर्लफ्रेंड ती मार्टी नगर राहते। ती अल्पवयीन मुलगी आहे। ती नाबालिग मुलगी होती। त्यांनी चोरी केलेला माल हा त्या गर्लफ्रेंडला घेऊन नेहमी इकडे तिकडे फिरायला चांगल्या मोठ्या मोठ्या हॉटेलमध्ये जाऊन एन्जॉय करायचा आणि त्यामुळे सोबतच तो इकडे खाण्यापिण्याच्या वस्तू जास्त पैसे उडवायचा, तिच्यावर पैसे पण उडवायचा। सोबतच हा जो चोरी केलेला माल आहे हा माल तो एका अंकित लक्ष्मण सोनटक्के याला विकत होता। याच्यामध्ये आपण जवळपास त्याच्याकडून 1-1.5 लाखाचा माल आणि 1.5 लाखाने ज्या पैशातून जे मिळाले होते इंदुरकर त्याला विकलेले होते त्या पैशातून त्यांनी त्या माल विक्रेत्यांनी 400 करोड त्याला आरोपी केला आहे। त्याच्याकडून 1-1.5 लाख रुपयाचा आपण तो DJ सिस्टमसुद्धा रिकवर केलेला आहे। हे माल रिकवर झाला आणि या इंदुरकरनी अभिषेक इंदुरकरनी एक मोटरसायकल पण चोरलेली होती आणि सोबत त्याचं एक पांढरी पण फोडलेली होती। असंच यापूर्वी याच्यावर एक गिट्टी खदानच्या हद्दीमध्ये एक नाबालिग असताना गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याचा PCR घेण्यात आला। PCR दरम्यान ही रिकव्हरी करण्यात आलेली होती आणि आता तो जेलकडे पाठवला। बहरहाल इस मामले में गुप्त सूचना व तकनीकी आधार पर पुलिस ने आरोपी अभिषेक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर चोरी करने की बात कबूल की है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।